हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 से पहले आने वाले एग्जांपल्स के बारे में, जिसमें हम लोग एग्जांपल 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्या एग्जांपल 5? फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, तो फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, इस और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। तो आप सबको पता है कि अगर आप ऐसे देखो तो इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, है ना। ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स, और ये होता है एक्स डैश। तो हमें बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे हमें पॉइंट बताना है, है ना, वाई एक्सिस पे पॉइंट बताना है जो कि क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है किससे किससे। तो मान लेते, सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा ए है और इसको हम लोग बोल रहे हैं 6.5, और ये पॉइंट हमारा बी है जो कि -4.3 है, है ना। यानी कि अगर इस पॉइंट को हम लोग ओ ले लें तो ए पॉइंट जो है ए ओ और बी ओ, है ना, ए ओ और बी ओ दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे है। और अगर वाई पॉइंट के बारे में बात करें कि ओ पॉइंट कितना होगा, तो क्योंकि ओ पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब वाई का वैल्यू तो जरूर होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू यहां पे कितना होगा, जीरो ही होगा ना भाई। अगर यहां पे कहीं होता तब तो एक्स का वैल्यू कुछ होता, वाई का वैल्यू कुछ होता, ये तो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। मतलब ये पॉइंट कौन सा है, 0.y, कौन सा पॉइंट है, 0.y, और बोला है इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी सिंपली आप बोल सकते हो कि जो OA डिस्टेंस है वो OB डिस्टेंस के इक्वल होगा, OA डिस्टेंस OB डिस्टेंस के इक्वल होगा। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आइए यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, अगर हम लोग x1 y1 इसको ले ले, x2 y2 इसको ले ले, ठीक है, ये हमारा लेटर सपोज x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, ठीक है। तो x2 - x1 यानी 0 - 6 इसका होल स्क्वायर, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y - 5 का होल स्क्वायर, है ना, कितना हो गया, y - 5 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है इक्वल है ओबी डिस्टेंस के, ओबी डिस्टेंस अगर हम लोग इसको ले ले x1 y1 और इसको ले ले x2 y2, तो क्या होता है, x2 - x1, यही होता है ना, x2 - x1 x1 का वैल्यू कितना है, -4। एक तो फॉर्मूला वाला माइनस, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला वाला माइनस और एक इसका माइनस, तो प्लस हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 - y1 यानी कि y - 3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, होल रूट होगा, होल रूट होगा। अब आपको पता है रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं सर, कैसे कैंसिल होगा सर, ये रूट है, इधर क्या होगा, होल स्क्वायर, और स्क्वायर से तो रूट कैंसिल होता ही है, तो आप डायरेक्ट रूट से रूट को भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। आइए 0 - 6 - 6 और -6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस a - b का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं क्या, a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² दैट इज 10 प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो a² प्लस b² और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है ना, 25 -2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है, अच्छी बात है। ये हमने किया 36 प्लस a² प्लस b² -2ab, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। अगेन a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b², है ना, b² ये, सॉरी एक सेकेंड, यहां हमने x कहां से ला लिया, यहां पे क्या था, x2 - x1 यानी कि 0 + 4 का होल स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस यहां पे क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा a² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9 -2ab - 2a और b के प्लेस पे 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये प्लस में इधर आता तो माइनस में, तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं y² से, y² हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। इन लोग दोनों को एड करेंगे कितना होगा, 3 - 2 - 5 - 1 - 6 यानी 61 - 10y -10y = 16 और 9 25 25 -3 - 2 = 6y,
कितना हो गया 3 × 2 = 6y। अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस टेन वाई, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6y = 25 पहले से है, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में -61। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा -4y = इसको माइनस करेंगे आएगा -36। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 के टेबल में 9 टाइम्स, तो इस बेसिस पे y का वैल्यू कितना आया 9। यानी कि y एक्सिस पे जो हमें पॉइंट बताना था हम लोग लिखेंगे हेंस पॉइंट ऑन दी किस पे y एक्सिस पे जो पॉइंट था वो कितना था 0, y, तो इस बेसिस पे कितना आ जाएगा 0.9, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो कंप्लीट का लिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर चेक कर लेना आपको। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।